हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं और आज कुछ ऐसा होने वाला है कि हमने सारी लिस्ट बना ली थी सामान की और फिर हमने भाई से कहा कि आज आपने जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपने लेनी है। हम लोग साथ गए तो थे लेकिन सारी चीज़ें हम लोगों ने कहा था कि आपने लेनी है, क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं उनको इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं होता। बहुत कम होते हैं जिनको ज़्यादा पता हो, लेकिन ज़्यादा होते हैं जिनको नहीं पता होता वो उठा लाते हैं। उनको जो चीज़ कहा हो उसकी जगह दूसरी चीज़ उठा लाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग कहते हैं भाई से कि वो सारी चीज़ें लें। हम लोगों ने लिस्ट बना के दे दी थी कि ये चीज़ें लेनी है। ज़्यादा मुश्किल कहाँ होती है, दालों में और दूसरी जो चीज़ें होती हैं मसाले वगैरह उसमें। जिनके ऊपर लिखा होता है वो तो बंदा आसानी से ले सकता है, लेकिन जिनके ऊपर मेंशन नहीं होता और वो फिर पता नहीं चलता ना, तो फिर वो मुश्किल होता लेने के लिए। तो हम लोग देख रहे थे कि भाई कैसे ले रहे हैं। उन्होंने इतना टाइम लगाया लेने में, बहुत ज़्यादा। हम लोग बस देख रहे थे कि ये है, वो लिस्ट की तरफ देखी जा रहे थे और फिर चीज़ें ले ही जा रहे थे। लेकिन ठीक उनको पता चल गया था, बस उनको पता नहीं चलता बेसन और मैदे का और कुछ दालें होती हैं जिनका उनको पता नहीं चलता। तो हमने बस थोड़ा थोड़ा साथ बताया कि ऐसे है। उसके ऊपर क्वांटिटी भी मेंशन थी कि आपने कितनी लेनी है, हम लोगों ने सारा लिखा हुआ था। तो जो जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी वो हम लोगों ने लेनी थी। ज़्यादा अगर जो चीज़ें आप लोगों की पड़ी होती हैं आप लोग वो चीज़ें ना लिया करें। जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वही लिया करें, क्योंकि ऐसे फिर वो ज़ाया हो जाती हैं। पहले उसे यूज़ करके फिर दूसरी चीज़ें ली जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ज़ाया भी नहीं होता, रिस्क भी नहीं ज़ाया होता और बरकत भी आती है रिस्क में, और दूसरी बात बचत भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मसूर की दाल ली थी। तो भाई ने 1 किलो पूरी उठा ली थी। मैंने कहा था उसे आधा किलो लेनी है आपने, तो उन्होंने 1 किलो उठा ली थी। मैंने कहा आप चेंज कर दें, इसको आधा किलो ले लें। 1 किलो वाला पैकेट जो है वो दोबारा रख दें वापस। तो दूसरी साइड पे हम लोग आ गए थे। दालें वगैरह, सारा मैदा वगैरह हम लोगों ने ले लिया था एक पोर्शन से। अब हम लोगों ने कलेक्ट करनी थी बाकी चीज़ें जो हमारी थोड़ी बहुत थी। मसाले वगैरह सारे हमारे घर में पड़े हुए थे, तो वो मैंने कहा वो लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और फिर जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, मैंने रेसिपी बनानी थी। नेक्स्ट रेसिपीज़ बहुत मज़े की होने वाली हैं, उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने वो चीज़ें लीं। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग की और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें घर के यूज़ की, वो भी ख़त्म हुई थी। हम लोगों ने फिर वो भी लीं। और फिर ऐसे बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाएँ फिर हम लोग ले आते हैं। और फिर ग्रॉसरी शॉपिंग अगर मंथली हो तो फिर वो फुल मंथ की हम लोगों ने करनी होती है। अगर उसके अंदर से कोई चीज़ बच जाए और यूज़ नहीं होती तो फिर हम लोग वो नहीं लेते, क्योंकि वो उसे पहले यूज़ करके फिर हम लोग फिर दूसरी नई चीज़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर वो ज़ाया हो जाती है। क्योंकि जैसे ये मौसम भी ऐसा है तो उसमें वो पता नहीं क्या छोटे छोटे से कीड़े से होते हैं वो भी लग जाते हैं। अगर खुला पड़ा रहे, चीज़ ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पे बारी आ जाती है चावलों की। चावल लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के चावल थे और इनके ऊपर हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा लेना है ना। तो भाई कह रहे थे कि ये वाला ले लेते हैं, हमारे घर में यही वाली चीज़ें पकती हैं। तो उन्हें ये पता था कि ना कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, मतलब ये इस तरह की दिखती है चीज़ और इस तरह की हम पहले लेके आते हैं। मतलब उन्हें फ़िक्स नहीं था, उन्हें श्योर नहीं थे वो कि हम लोगों ने ऐसे ही लेनी है, यही वाली चीज़ें लेनी है। तो बिस्किट हम लोगों ने लेने थे। जो हम लोगों ने लेने थे वो उसमें जो छोटा सा डब्बा वो वाला नहीं था, फिर हमें बड़ा ही लेना पड़ा। क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़ तो होते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पास्ताज वगैरह लेने थे और हल्दी वगैरह मसाले वगैरह लेने थे, तो वो जल्दी से लिए। टाइम काफ़ी हो चुका था क्योंकि भाई ने टाइम बहुत ज़्यादा लगाया था चीज़ें लेने में, और क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि आपने सारी चीज़ें लेनी है, हम लोगों ने नहीं लेनी। तो एक एक करके बस वो चीज़ें लेते गए और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी माशाल्लाह शॉपिंग कर ली थी। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। जब भी आप जाते हैं तो डबल से ट्रिपल जो बिल बनता है उसका, जब भी जाएं डबल से ट्रिपल ही वो चीज़ महंगी हुई होती है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस अल्लाह ताला रहम ही करें, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और सबके रिस्क में बरकत अता फरमाएँ। जी, तो माशाल्लाह हम लोगों ने चीज़ें सारी कलेक्ट कर ली थी और जो रेसिपी मैंने बनानी थी उसके लिए भी मैंने चीज़ें ले ली थी। अब शॉपिंग सारी पूरी हो गई थी, बस हमारी रहता था घी रहता था और चीनी रहती थी। वो हम लोगों ने भाई से कहा वो उठा के ला दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा सारे पैकेट होते हैं और उठाना मुश्किल होता है। तो भाई ने वो हमें ला के नीचे रख दिए थे और वो भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए थे। तो शॉपिंग हो चुकी है। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।